गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी ओर से आपके करियर के लिए, आपकी भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके मैसेजेस, आप सबके कॉल्स लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं। लगातार आप सभी बच्चों की अलग अलग इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है और इतनी बड़ी मात्रा में जो हम आपके कॉल्स आ रहे हैं, इनको एड्रेस कर पाना, आपके प्रश्नों के आपको जवाब दे पाना फोन पर, ये मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन सारे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं जो आप फोन पर पूछ रहे हैं। आप अलग अलग प्रश्न जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप पढ़ाई करें ट्वेल्थ के बाद, आप जानना चाहते हैं कौन सा कोर्स करें, आप जानना चाहते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, आप जानना चाहते हैं कि फीस मैं कैसे दे पाऊंगा, मैं गरीब परिवार से हूं, मैं मध्यम वर्ग परिवार से हूं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मेरा नहीं बना है, मैं कैसे पढ़ूंगा, आप जानना चाहते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, टेस्ट देना होगा, क्या करना होगा, तो मैं आपको आज आपको मैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत कम समय में सारी सूचनाएं दे दूंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा ताकि आप सभी बातों को जान पाए, समझ पाए और आपको ज्यादा आपको प्रश्न पूछने ना पड़े, आपके सभी प्रश्नों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएं, मैं ऐसी कोशिश करूंगा। तो पहला प्रश्न आप लोग का आ रहा है, सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर वो सिमित संस्थान के बारे में जानना चाहते हैं कि सिमित संस्थान क्या है और सिमित संस्थान में नामांकन कैसे होगा। तो मैं आपको बताऊं, आप सभी जान भी रहे हैं, ज्यादातर बच्चे जान रहे हैं कि सिमित समूह पटना में, बिहार में, प्रोफेशनल कोर्स में, मैनेजमेंट के कोर्स में, कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आज बिहार का सबसे बेस्ट संस्थान है। पिछले लगभग 10-11 वर्षों में सिमित संस्थान के बच्चों ने जिस तरह से सफलता हासिल की है, जिस तरह से सिमित संस्थान के बच्चों ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में टॉप किया है, जिस तरह से सिमित संस्थान के बच्चों ने लगातार अलग अलग कंपनियों में, भारत में बैंकों में, आईटी कंपनियों में, सॉफ्टवेयर कंपनियों में, जो डिजिटल कंपनियां हैं, विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, कैपजेमिनी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, इन सारी कंपनियों में हमारे बड़ी संख्या में बच्चे गए और बिहार से गए। बिहार में ऐसा पहले नहीं होता था कि बच्चों को इन कंपनियों में जॉब लगे। आज बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में हमारे बड़ी संख्या में बच्चे हैं, छात्र हैं हमारे, और ये छात्र जो हैं वो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए आमदनी क्रिएट कर रहे हैं, उन बच्चों का अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मोहल्ला में, उनके अपने गांव में उन बच्चों की इज्जत बढ़ चुकी है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी है कि बैंगलोर में जॉब करता है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है, अच्छी सैलरी कमाता है, हवाई जहाज से आता जाता है, अपने घर में मकान के ऊपर में एक तल्ला और बनवा रहा है, सब घर में, सब कमरा में एसी लगवा दिया। तो उस बच्चे ने अपने घर के रहन सहन को सुधार दिया क्योंकि उस बच्चे ने पढ़ाई की, पढ़ाई के बल पर, नॉलेज के बल पर आज वो अच्छी लाइफ जी रहा है, आज वो समृद्धि ले रहा है। और वही बीसीए का कोर्स जो सिमित में कराया जाता है, बीसीए और बीएससीआईटी का कोर्स, यही कोर्स बिहार में और भी कॉलेजों में होता है, लेकिन बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। डिग्री तो मिलती है, डिग्री हर जगह मिल रही है, डिग्री हर संस्थान में मिल रही है, लेकिन बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सिमित की जो फायदा हुआ, सिमित का जो बच्चों को लाभ मिला है, वो ये मिला है कि सिमित के छात्रों को प्लेसमेंट मिल पाई है, सिमित के छात्रों को जॉब मिल पाई है। और अल्टीमेटली पढ़ाई आप किस लिए करते हैं, क्या पढ़ाई करने का, कॉलेज में एडमिशन लेने का आपका मकसद क्या है? कॉलेज में एडमिशन लेने का मकसद अगर आपका एक अदद डिग्री पाना है तो फिर सिमित में आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना करियर की शुरुआत करनी है, आपको अपने जीवन में एक अर्निंग स्टूडेंट बनना है, कमाई की राह शुरू करनी है और अपने परिवार की प्रतिष्ठा, अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, तब आपको वैसी पढ़ाई करनी होगी जो पढ़ाई सिर्फ डिग्री ना दे बल्कि आपको नॉलेज दे, क्षमता दे, स्किल दे। और जब डिग्री के साथ साथ आपको नॉलेज और स्किल मिलता है, क्षमता मिलती है, काबिलियत मिलती है, एबिलिटी मिलती है, तब आपको जॉब भी मिलता है। और जॉब ढूंढने के लिए सिमित के बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ता है, कंपनियां सिमित में आती है, कैंपस इंटरव्यू होता है, ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। आपको व्हाट्सएप पर कई सारे वीडियोस भेजे गए हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं। आप सिमित के यूट्यूब पेज पे जाएं, आप सिमित के फेसबुक पेज पे जाएं और आप वहां पे चेक करें किस तरीके से बिहार के हर जिले से हजारों छात्रों को सिमित के माध्यम से पढ़ाई करके जॉब मिला है, प्लेसमेंट मिला है। और ये सारा डिटेल आपको भेजा गया है, कौन कौन से कोर्स हैं हमारे यहाँ पर सिमित समूह के अंदर में। चार कॉलेज हैं, चार कॉलेज में हमारे यहाँ पर बीबीए का कोर्स है जो कि मैनेजमेंट का कोर्स है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ग्रेजुएशन करना है, तो ये बीबीए या बीसीए या बीएससीआईटी या बीकॉम प्रोफेशनल, ये सभी जो कोर्सेज हैं, ये ग्रेजुएशन कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है, ये 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। कोई बोलता नहीं सर हमको तो बीए करना है, तो बीए क्यों करोगे, बीए करके आपको कौन सा जॉब मिल रहा है? लाखों लोग बीए कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? और बीबीए बीसीए हर कोई कर नहीं पाता था क्योंकि ये महंगे कोर्सेज होते थे, या जो संस्थान बिहार के बाहर है, जहां जो
पैसे वालों घर के बच्चे वहां जा पाते थे, बैंगलोर में, पुणे में, जहां पर नौकरी मिल पाती थी, बच्चों को प्लेसमेंट मिल पाता था, उन संस्थानों की फीस बहुत अधिक है। बैंगलोर में, पुणे में, दिल्ली में रह के पढ़ने का जो खर्च है वो बहुत अधिक है। यहाँ तक कि सिमेज में जितना 3 साल का खर्च आता है पढ़ने का, उससे दुगुना तिगुना तो बैंगलोर, पुणे में और दिल्ली में सिर्फ रहने का खर्च आ जाता है, पढ़ाई का खर्च अलग आता है वहां पर। तो वो बहुत महंगी पढ़ाई थी। आम जो बच्चे हैं, जो आम मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे हैं या निम्न आय वर्ग के जो बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो बीबीए बीसीए के कोर्सेज या जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, वो नहीं कर पाते थे। तो अब क्या हो गया, अब क्या परिवर्तन आ गया है? अब 2 परिवर्तन आए हैं। सिमेज समूह के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है कि छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पढ़ने की सुविधा दी जाएगी, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आपको छात्र को सिर्फ 5,000 रुपए की राशि, सिर्फ 5,000 रुपए की राशि उसको बच्चे को जमा करनी है। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको सबसे पहले फॉर्म, सिमेज का फॉर्म सबमिट करना होगा। आप फॉर्म परचेज करने के लिए कॉलेज में आइए और फॉर्म खरीदिए। जब कॉलेज में आइएगा तो आप कॉलेज को देखिएगा, व्यवस्था को देखिएगा, किस तरह से पढ़ाई होती है देखिएगा, किस तरह का हमारा लैब, लाइब्रेरी है, लैब है, किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, बच्चों के ऑफर डॉक्यूमेंट्स देखिए, जो बच्चों को जॉब लगा है वो देखिए, आप सारा कुछ देखिए, और वो देख करके आप अपना डिसीजन लीजिए कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे यहाँ पढ़ना है, मुझे अपने जीवन में हासिल करना है। तो पहला प्रोसेस आपको कॉलेज में आना होगा, और कॉलेज में आकर के आप फॉर्म खरीदिए। अगर कोई छात्र किसी कारणवश कॉलेज में आ नहीं सकता है तो उस छात्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा है। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का जो कॉस्ट है, फॉर्म का जो शुल्क है, वो है 800 रुपये, यानी 800 रुपये का जो शुल्क आपको देना होगा, और 800 रुपये का शुल्क देकर के आप सिमेज का फॉर्म भर सकते हैं। अब सिमेज में ऑन स्पॉट राउंड शुरू हो चुका है, ऑन स्पॉट राउंड, क्योंकि अब लास्ट की कुछ सीटें बची है, और इन लास्ट की सीटों के लिए हम लोगों ने ऑन स्पॉट राउंड शुरू कर दिया है। और इस ऑन स्पॉट राउंड के लिए आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म हमको कॉलेज में मिला, उसी दिन जब आप कॉलेज आएंगे उसी दिन आपका इंटरव्यू किया जाएगा। जो हमारे इंटरव्यूअर्स हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे, हो सकता है मैं आपका इंटरव्यू लूं, कॉलेज के डीन आपका इंटरव्यू लेंगे, एचओडीज जो है कॉलेज के, अलग अलग एचओडीज वो इंटरव्यू ले सकते हैं, कोई भी एक व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेगा, जो कॉलेज में अलग अलग जो सीनियर प्रोफाइल के लोग हैं वो आपसे मिलेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। तो मैंने आपको कहा था कि कौन सा कोर्स करना है, तो आप जब पटना आएंगे और जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको उसकी तो जानकारी भी मिल जाएगी। इसके पश्चात जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है, आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इंटरव्यू बता देंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना है, किस विश्वविद्यालय में करना है, और उस कोर्स को करने के लिए आपको हम अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आप तुरंत एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आपको कितना रुपए खर्च करना होगा? सिर्फ 5,000 रुपए। यानी कि जो गरीब घर का बच्चा है, जो कि ज्यादा राशि कलेक्ट नहीं कर सकता है, वो भी 5,000 रुपए कलेक्ट कर सकता है। 5,000 रुपए की राशि सबके पास उपलब्ध हो जाती है। एक आम निम्न मध्यम वर्ग आय का जो परिवार है वह भी 5,000 रुपए की फीस जमा कर सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर 5,000 तो जमा करेंगे, उसके बाद कितना देना होगा, कैसे देना होगा, कब कब देना होगा? तो मैं आपको बताऊं, आपको 5,000 रुपए जमा करने के बाद आपका एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद आपको कुछ जमा नहीं करना है, फीस आपको फीस कॉलेज जमा नहीं करना है। आपको उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। आप बोलेंगे क्रेडिट कार्ड मेरा नहीं बना है, तो क्रेडिट कार्ड आपका बनेगा ही तब जब आपका एडमिशन होगा। जब आपका एडमिशन होगा, 5,000 आपने जमा किया, उसके बाद हम आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिससे प्रमाणित होगा कि आपका सिमेज में एडमिशन हो गया, आप सिमेज के बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। और उस प्रमाण पत्र को लेकर के, और साथ में ऑथराइज फी स्ट्रक्चर को लेकर के, और साथ में कॉलेज का एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट लेकर के, और साथ में सिलेक्शन लेटर आपका जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए जाएंगे, जिसके साथ आप अपने जिले के DRCC केंद्र, यानी डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसलिंग सेंटर, जो सरकार द्वारा स्थापित केंद्र है, वहां पर आप अप्लाई करेंगे कॉलेज की फीस के लिए, और वहां से आपकी फीस कॉलेज को आएगी। आप फीस जमा नहीं करेंगे, फीस सरकार देगी, और आपके खाते में, आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में लगभग 60,000 से 80,000 रुपए की राशि आएगी, जिसका इस्तेमाल आप करेंगे लैपटॉप खरीदने के लिए, या स्टेशनरीज के लिए, या जो आपके अन्य खर्च आते हैं उसके लिए। ये 80,000 रुपए तक की, 60,000 से 80,000 रुपए तक की राशि आपके खाते में जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, और बाकी फीस कॉलेज में आएगी, जो कि एक साल दर साल आएगी, हर साल आएगी वहां से, DRCC से आएगी। अब आप कहेंगे सर DRCC से जो फीस आएगी वो फीस तो हम लोग को वापस करनी होगी। बिल्कुल, लेकिन आपको अपने घर से, अपने पापा से वो पैसा लेके वापस नहीं करना है। आपको वो पैसा वापस करना है जब सिमेज में आप पढ़ाई करेंगे, आपको जो जॉब मिलेगा, जो प्लेसमेंट मिलेगा, कंपनी आपको सैलरी देगी, उस सैलरी में से कुछ पैसा आप अपनी जेब में रखेंगे, कुछ घर में देंगे, कुछ मम्मी के लिए सामान खरीदेंगे, कुछ अपने पापा के लिए खरीदेंगे, और उससे बाद जो पैसा बचेगा, यानी कि लगभग 4,000 से 5,000 रुपए की राशि आपको देनी पड़ेगी
सरकार को फीस के रूप में वापस, तब आप जो कंपनी से सैलरी मिल रही है उसमें से देंगे सरकार को। अब बोले सर कंपनी से सैलरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिला, तब तो घर से देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा आपको, फीस सरकार को वापस तभी करनी है जब आपको प्लेसमेंट मिलेगा, जब आपको जॉब मिलेगा। यानी कि सरकार के पैसे से पढ़े और कमाई मिलनी शुरू हुई, नौकरी मिली, उस नौकरी से मिलने वाली इनकम से ही देना है। सरकार ने घोषणा कर दी है, सरकार ने वेबसाइट पर लिख के दे दिया है, गाइडलाइन में जारी कर दिया है कि छात्र को जब जॉब मिलेगा तो सरकार को पैसा वापस करेगा, सरकार किस्त में वापस करेगा। लगभग 4 से 5 हजार रुपए की किस्त बनेगी आपकी, ठीक है, जो आपको अगर जैसे सीमेंट में बच्चों को 3.5 लाख का पैकेज मिला, 3,47,000 का पैकेज ICICI बैंक में मिला बच्चों को, पिछले वर्ष की मैं बता रहा हूँ। विप्रो में भी उससे ऊपर पैकेज मिला, TCS में पैकेज मिला। तो जो बच्चों को 25-30 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है, बच्चा उसी में से 5 हजार रुपए देगा, 20 हजार रुपए उसके घर में जाएंगे, उसकी आमदनी शुरू हो जाएगी और हर साल वो प्रमोशन भी पाता जाएगा, और सरकार को उसको मात्र 4 से 5 हजार रुपए की राशि जो है वो वापस करनी होगी बच्चे को, इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में वापस करनी होगी। सरकार उसमें बहुत नाम मात्र का ब्याज लगा रही है, सरकार ये सुविधा दे रही है बच्चों को। और अगर जॉब नहीं मिला तो सरकार ने घोषणा करी है कि बच्चों को साल में 2 बार एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में लिख के देना है कि मेरे पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, आय का कोई और साधन उपलब्ध नहीं है, बस। अगर आपने ये एफिडेविट दी है तो आपके पास उस ऋण को चुकाने की कोई जवाबदेही उस वक्त नहीं है। अगर आप कहेंगे सर हमको जॉब मिल गया और फिर जॉब चल गया, जब जॉब चल गया तब आप एफिडेविट देंगे कि मेरे पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है, आपको इंस्टॉलमेंट वापस नहीं करना होगा। आपको इंस्टॉलमेंट तभी वापस करना है जब आपके पास जॉब है, यानी कि आपकी जो पढ़ाई है वो सरकार के खर्चे पे हुई, और सरकार के खर्चे पे पढ़ाई से जब आपको आमदनी मिल रही है तो आपको पैसा वापस करना है धीरे धीरे, और नहीं तो आपको वापस नहीं करना है। पापा से पैसा नहीं मांगना है, घर में आपको कोई आर्थिक बोझ नहीं देना है, सिर्फ एक बार आपका जो शुल्क आ रहा है वो आ रहा है 5,000 रुपए का। और सिमेज में बच्चा 3 साल का जो फीस जो कि गवर्नमेंट देगी आपको, वो 1 साल के पैकेज जो उसका होता है उससे कम होता है। बच्चे को जो 1 साल का पैकेज मिल रहा है बच्चों को सिमेज में, वो पैकेज का उसका सैलरी जो 1 साल का वो ज्यादा है, और 3 साल का फीस जो सरकार आपके लिए भरेगी वो कम है। यानी कि बच्चा 7 साल में सरकार को वापस करेगा, और अगर 1 साल का पैकेज उसका 3 साल की फीस से ज्यादा है तो 7 साल में तो वो जितना सरकार देगी उसका 7 गुना उसको मिल जाएगा, उससे ज्यादा उसको मिल जाएगा, और ये मिल रहा है। आज सीमेंट के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पैकेज जो है वो 10 लाख 8 लाख 6 लाख 7 लाख, सब रिकॉर्ड है हमारे पास। आप देख सकते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जो कि 8-10 लाख के पैकेज पर सीमेंट के बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं। तो जहां पर बच्चों को इतना पैकेज मिल रहा है वहां उनकी जो फीस हमारे यहाँ सरकार दे रही है उस बच्चे की फीस वो बहुत कम है। इसके बावजूद यदि कोई बच्चा चाहता है कि सरकार के द्वारा सुविधा लेकर के किसी ऐसे कॉलेज में पढ़े जहां उसको जॉब नहीं मिले, जहां उसका करियर नहीं बने, जहां उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव ना हो, इंग्लिश इंप्रूव ना हो, तो फिर वो बच्चे का दुर्भाग्य होगा। उस बच्चे की बुद्धि की कमी है कि वो अपने जीवन का 3 वर्ष एक सुनहरा मौका वो गवा देगा। और अगर कोई छात्र ये सोचता है कि इस साल नहीं पढ़े अगले साल पढ़े, तो अगले साल की क्लास शुरू होगी अगले साल सितंबर में, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, 1 साल तक घर में करोगे क्या? कोई सोचता है कि नहीं सर अगला साल तो 3 महीना बाद है। अरे 3 महीना बाद तो अगला साल आएगा, लेकिन कॉलेज का जो क्लास स्टार्ट होता है वो तो जुलाई अगस्त में एडमिशन होता है, सितंबर में क्लास स्टार्ट होता है, तब आप अगले इतने दिन तक करोगे क्या? और जो बच्चे हमारे अभी एडमिशन ले रहे हैं उनकी तो सैलरी शुरू हो जाएगी 2023 में, जब पास करेंगे तो उनकी सैलरी शुरू हो जाएगी। जो लोग अगले साल एडमिशन लेंगे उनकी सैलरी 2024 में शुरू होगी, वो लोग का लेट हो जाएगा। तो क्या आप 1 साल का लेट, यानी अगर 1 साल का पैकेज हम 3 लाख रुपए भी जोड़ते हैं तो 3 लाख का लॉस वहां पर होगा बच्चों को, उनकी आमदनी लेट हो जाएगी, और उनके साथ पढ़ने वाले जो यहाँ पर हमारे एडमिशन ले रहे हैं अभी वही बच्चे उनके बॉस बन जाएंगे, उनसे सीनियर हो जाएंगे। तो आपको समझना होगा कि आप अपने करियर में विलंब बिल्कुल ना करें। सिमेज में एडमिशन अभी जारी है, एडमिशन बच्चों के हो रहे हैं, आप कॉलेज में आइए। 800 रुपए का आपका फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू होगा। 800 रुपए का शुल्क हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम फालतू लोगों को नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हर कोई आकर के हमारे यहाँ पे अप्लाई कर दे, क्योंकि 5,000 रुपए का जो हमारा फीस है वो अभी बहुत कम है। तो हम इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में हमें बच्चा लगेगा कि बच्चे में पढ़ने की इच्छा है, गांव का बच्चा है, अंग्रेजी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की इच्छा शक्ति अगर है तो आपका स्वागत होगा, उन सभी छात्रों का स्वागत होगा जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। अगर गरीब घर के हैं तो उनका विशेष आमंत्रण है कि वो आए सिमेज में, और यहाँ पर हम वैसे बच्चों को जो गांव से हैं, सरकारी स्कूल से हैं,
उन बच्चों को भी पढ़ाने पर हम फोकस करते हैं और हमारे यहाँ वैसे बच्चे भरपूर संख्या में हैं। अब दुविधा एक और है, एक प्रश्न और है कि सर अभी क्लास कैसे चलेगी कोरोना के काल में। तो क्लासेस शुरू हो रही है सिमेज में, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है बच्चों को। वो सुविधा ये मिल रही है कि अगर आप पटना में रह के पढ़ना चाहते हैं तो आप पटना में रह के पढ़ेंगे, क्लास करेंगे यहीं पर, फिजिकल आपकी ऑफलाइन क्लासेस यानी कि क्लासरूम के अंदर बैठ के आप पढ़ाई करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अपने गांव में रह करके, अपने डिस्ट्रिक्ट में रह करके, अपने शहर में रह करके, अपने घर में रह के पढ़ाई करें, हर एक क्लास जो सिमेज में ऑर्गेनाइज हो रही है, वही क्लास आप क्लासरूम में भी देखेंगे और वही क्लास आप अपने मोबाइल पर भी अटेंड करेंगे, मोबाइल पर भी आप उसी क्लास को अटेंड करेंगे। अटेंडेंस आपको दोनों स्थिति में बनेगा, जब आप क्लासरूम में क्लास अटेंड करेंगे तब भी अटेंडेंस बनेगा और जब आप मोबाइल पर क्लास अटेंड करेंगे तब भी अटेंडेंस बनेगा। यानी कि अगर आपको चाहिए कि आप अभी पटना नहीं आए, आप कोरोना से बचना चाहते हैं, आपका हॉस्टल का खर्च भी बच गया, आप अपने घर में रह करके पढ़ेंगे और मोबाइल पर ही क्लास अटेंड करेंगे, क्लासेस वही होंगी, सेम क्लास जो कि आप कॉलेज में आकर अटेंड करेंगे वही क्लास आप मोबाइल पर अटेंड कर सकते हैं, कोई उस वहां पर दिक्कत आपको नहीं आएगी। तब आपके लिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर में, यानी जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा, यानी जब आप आएंगे आप तुरंत फॉर्म के लिए पैसा देंगे और तुरंत आपको इंटरव्यूअर से मिलाया जाएगा। इंटरव्यूअर आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कैसे करना है, आपका इंटरव्यू के लिए आपको एडमिशन के लिए आपको अलाउ करने का वहां पर बता दिया जाएगा। और अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आप अगले दिन पटना आकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आपको याद अगले दिन ही आना होगा, या आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन जूम ऐप के ऊपर में लिया जा सकता है। दोनों सुविधा है। और इंटरव्यू में ओके होते ही 48 आवर्स के अंदर में, 48 घंटों के अंदर में आपको 5,000 रुपए जमा करके एडमिशन प्रोसेस अपना पूरा कर लेना है। आपको अपना मार्कशीट, अपना CLC ये सब जमा करके, और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उनको जमा करने के लिए आपको समय दिया जाता है, वक्त ये दिया जाता है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय यह भी राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, तो बिहार राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत ही सीमित समूह के अंदर में महाविद्यालयों का, कॉलेजों का संचालन होता है। और जो भी बच्चों का एडमिशन होगा वो इन्हीं विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रेशन होगा, परीक्षा विश्वविद्यालय लेती है, डिग्री विश्वविद्यालय लेती है और सिमेज में बच्चों की पढ़ाई होती है। लेकिन हम सिर्फ विश्वविद्यालय का कोर्स नहीं पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय के कोर्स के अतिरिक्त वैसे सभी चीजें जो आपकी पढ़ाई के लिए जरूरी है वो भी आपको पढ़ाई जाती है। जो आपको अन्य वीडियो दिए गए हैं उनको आप देखिए, उनमें आप देखेंगे कि BBA कोर्स के साथ क्या क्या पढ़ाया जाता है, BCA कोर्स के साथ क्या क्या पढ़ाया जाता है, बच्चों को कहाँ कहाँ जॉब मिली है, किस तरह से हमारे बच्चे हर साल गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, बिहार के राज्यपाल ने उनको गोल्ड मेडल दिया है। तो आज आपके पास मौका है कि गोल्ड मेडलिस्ट संस्थान, जहां के बच्चों को सबसे अधिक प्लेसमेंट मिला, सबसे अधिक जॉब मिला, जहां के बच्चों ने स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में, डिबेट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, हर एक मामले में, और वर्कशॉप्स में, रोबोटिक्स में, एंड्रॉइड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, GST में और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये सारी चीजों के साथ में वो इंडस्ट्री में गए, अच्छा जॉब पाया, अच्छा प्लेसमेंट पाया। और भारत के अलग अलग शहरों में हमारे बच्चों का समूह है, एलुमनाई नेटवर्क है, बैंगलोर में नेटवर्क है हमारे बच्चों का, दिल्ली में नेटवर्क है, पुणे में नेटवर्क है, हैदराबाद में नेटवर्क है, हमारे इतने सारे छात्र हैं वहां पर, इन्होंने वहां पर एसोसिएशन बना लिया है, वहां पर हम लोग जाते हैं और गेट टुगेदर पार्टी होती है बच्चों के साथ में हमारी, बैंगलोर में पार्टी हुई, दिल्ली में पार्टी हुई, और उनके वीडियोस भी मैं आपको भेजूंगा। तो किस तरीके से सिमेज संस्थान ने बिहार में एक परिवर्तन लाया है, और आपके लिए मैं चाहता हूं कि बिहार के गांव के बच्चे, बिहार के छोटे शहरों के बच्चे सिमेज के इस मुहिम से जुड़े और जुड़ चुके हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है बिहार में जहां के बच्चे सिमेज में पढ़ते नहीं हो। आप आइएगा जब यहां पर, तो अपने जिले के बच्चों के रिकॉर्ड को देखिएगा कि किस तरीके से आपके जिले के बच्चों ने सिमेज में पढ़ाई की है और उन बच्चों ने आज वो किस कंपनी में है, कहां पर है, किस शहर में है। तो आज आप क्या करेंगे, आप क्या अपने भविष्य को किसी ऐसे कॉलेज में संकित होकर के, ऐसे कॉलेज में भविष्य को बर्बाद करने के लिए जाएंगे जहां क्लास नहीं होती हो, जहां ढंग से पढ़ाई नहीं होती हो, जहां आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं करेगी, जहां आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे, जहां सिर्फ आपको एक डिग्री मिलेगी, क्या उस डिग्री से आपका भविष्य बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा? आपके पास अवसर है कि आप ऐसे कॉलेज में आइए जहां पढ़ाई होती है, क्लास होती है, इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, नॉलेज इंप्रूव करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखेंगे, स्किल इंप्रूव करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट सीखेंगे और जॉब पाएंगे, कंपनियां यहां आती है। और ये सब कुछ के लिए आपको खर्च क्या करना है, आपको खर्च करना है सिर्फ 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए। और ये 5,000 हमने इसलिए रखा है ताकि बच्चों का सीरियसनेस रहे। और उसके बाद सारा फीस कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आ रहा है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को पैसा आप कब वापस कर रहे हैं, जब आपको जॉब मिल रहा है तब वापस कर रहे हैं। आपका निवेश 5,800 रुपए
इससे अधिक नहीं हो रहा है। फॉर्म का 800 रुपया और 5000 रुपया एडमिशन लेने का, उसके बाद का जो निवेश है वो सरकार कर रही है। और सरकार को पैसा आप कब वापस कर रहे हैं, जब आपको जॉब मिल जा रही है, अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, जो नौकरी से आमदनी आ रही है उससे दे रहे हैं। सीधी सी बात है, तो गरीब से गरीब घर का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, और बच्चे ऐसे कॉलेज में ना जाएं जहां पढ़ाई नहीं होती हो, जहां सिर्फ डिग्री मिलती हो और सीमेंट में ज्यादा सीटें नहीं है। अब जो सीटें बची हैं, अब ये आखिरी बैच बनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां पर काफी डिले हो चुका है कोरोना के कारण, और अब हम चाहते हैं कि डिले नहीं हो, इसलिए ये वीडियो के माध्यम से आपको सारी सूचना दी जा रही है। और मुझे पता है कि जैसे बच्चों को ये वीडियो मिल रहा है, भारी संख्या में बच्चे जो है वो कॉलेज में आकर के इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, फॉर्म लेंगे, और 24 आवर्स के अंदर इंटरव्यू, 48 आवर्स के अंदर एडमिशन, और 29 तारीख से हमारे यहाँ बैचेस भी शुरू हो रही हैं, जो आखिरी बैच शुरू क्लास स्टार्ट हो रहा है 29 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फिजिकल क्लासरूम के अंदर क्लास भी शुरू हो रही है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आगे भी ये ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन सिर्फ अभी कोरोना काल में नहीं, ये ऑप्शन आगे भी रहेगा कि आप इस माध्यम से अपने घर बैठे ही क्लास कर सके। तो मुझे लगता है कि आप लोग को मैंने सभी जानकारी दी है, सारे आप लोग के प्रश्नों के जवाब दे दिए, और अब इसके बावजूद अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो पटना आइए और मुझसे मिलिए, जो हमारे यहाँ के और सीनियर काउंसलर्स हैं उनसे मिलिए, और या आप इसी व्हाट्सएप पर अपने प्रश्नों को भेजिए, लेकिन अपने करियर के लिए उचित निर्णय लीजिए। ये मौका आज आपके पास आ रहा है, आइंदा भविष्य में जब सीमेंट में सीट भर जाएगी उसके बाद आपके पास इस तरह का प्रश्न नहीं रहेगा, और पूरे बिहार में कोई दूसरा और कॉलेज आप बता नहीं पाइएगा जहां इस तरह से कंपनियां आती हो, प्लेसमेंट्स होता हो, जहां इस तरह से हजारों की संख्या में बच्चों को जॉब मिला हो। अगर आप इसके बावजूद किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहां आपको ये सब सुविधा नहीं मिलेगी और सरकार पैसा दे रही है, तो फिर ये आपकी बुद्धि की कमी है या आपका दुर्भाग्य होगा। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामना, आप अच्छा करें, आप बेहतर करें, आपका भविष्य सुनहरा हो, और इस कोरोना काल में भी आप अपने भविष्य की इबादत लिखें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें, और आपका निवेश सिर्फ और सिर्फ 5000 का है। और उस पर भी कोई छात्र अगर बोलता है कि मुझे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं मिला, तो बेटा अगर तुमको नहीं मिलेगा तो वो तभी ऐसा होगा जब कॉलेज के किसी डॉक्यूमेंट में कमी आएगी। कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव है, कॉलेज का नाम जो हमारा है सरकार से कॉलेज हमारा अप्रूव है, और वो सरकार की वेबसाइट पर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पर सीमेंस संस्थान का नाम उपलब्ध है। और यदि अगर सीमेंस कॉलेज के बच्चों को लोन नहीं मिलेगा तो सभी बच्चों को नहीं मिलेगा, और आपको मैं आपका जो 5000 रुपए है वो त्वरित रूप से उसी वक्त वापस करवाने की सुविधा भी देता हूं। लेकिन ऐसा अवसर आएगा नहीं, क्योंकि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी, हमारे सारे बच्चों को ये सुविधा मिल रही है। यह संस्थान राज्य सरकार के विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है। अतः आपको इसमें निसंकोच पढ़ने के बारे में सोचना है, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, और जो आपकी 5000 रुपए की राशि है वो नाम मात्र की राशि से किस लिए ली जा रही है, ताकि सीरियस बच्चे जो हमारे यहाँ पे इनरोल हों। अगर हम वो 5000 भी नहीं लेंगे तो हर कोई अपना नाम दे देगा, और हम हर किसी को डॉक्यूमेंट जारी नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब बच्चा भी आए लेकिन उसका छोटा सा स्टेक रहे, ताकि फिर वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन को लेने में भी ध्यान दे और पढ़ने में भी ध्यान दे। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे पिछले वर्षों में हमारे बच्चों ने एक नया रिकॉर्ड हमेशा बनाया है, चाहे विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, चाहे जॉब प्लेसमेंट्स हो, चाहे इंटर कॉलेज इवेंट्स हो, डांस इवेंट हो, ड्रामा इवेंट हो, स्पोर्ट्स इवेंट हो, हम लोग BHU में जाकर के टूर्नामेंट जीते हैं। तो आने वाले दिनों में भी जो बच्चे हमारे पास आप आएंगे, आप लोग हमारे पास आएंगे, और हम लोग मिल करके एक टीम बना करके वापस मजबूती के साथ प्लेसमेंट में, रिजल्ट्स में, और इंटर कॉलेज इवेंट्स में, और वर्कशॉप्स के साथ हम लोग बेहतर करेंगे। और आप लोग आओ, आपके भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और आप लोगों को इंग्लिश सिखाना, आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाना, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाना, अकाउंटिंग सिखाना, मार्केटिंग सिखाना, ये सब का जिम्मा मैं लेता हूं, और आपको लायक बना करके आप अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ जहां रहें गर्व के साथ रहें। गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं, और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। और आप अपने आप जो आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे हैं, अंग्रेजी आपकी कमजोरी नहीं, अंग्रेजी आपकी ताकत बननी चाहिए, ये मेरा मिशन है, और इस मिशन में आप सभी बच्चों का मुझे साथ चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से पुनः बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद, आप लोग अच्छा करो, और आप सबका सिमेज में स्वागत होगा। धन्यवाद।